गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आईटीआई का एग्ज़ाम सेकेंड ईयर का चल रहा है, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, सीबीटी एग्ज़ाम हो रहा, और उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी की रिगार्डिंग हम आप लोगों के लिए जो डीसी जनरेटर है इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि भारत स्किल वेबसाइट से पीडीएफ जो है उसका क्वेश्चन का पीडीएफ का रिव्यू हम लोग कर रहे हैं। इससे आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी होगी। तो ये वीडियो आप लोग देखिए, एग्ज़ाम के टाइम के लिए ये आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम लोग डीसी जनरेटर से मोस्टली क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नियर अबाउट 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन का आंसर के साथ आप लोगों को थोड़ा बहुत उसके बारे में बताते चले। और इस वीडियो में हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में, फिर नेक्स्ट वीडियो मोटर के बारे में, इस तरीके से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट से, जैसे bharatskill.com के वेबसाइट से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। bharatskill.gov.in आप गूगल पे करेंगे, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मैं उसका आंसर भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस तरीके से आप रिविज़न कर सकते हैं, आप इसका पीडीएफ खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के क्रॉस वाले भाग को क्या कहते हैं, जो ये इस पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इसके बारे में पूछ रहा। यहाँ पर चार ऑप्शन है, आपके एग्ज़ाम्स में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन रहेंगे, इसके चार ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए में आर्मेचर कोर है, ब्रश, कम्यूटेटर रेजर और कम्यूटेटर सेगमेंट। तो कौन सा आपका सही है ये आपको बेसिकली बताने होंगे कि आपका कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये जो पार्ट है इसको हम लोग कम्यूटेटर रेजर बोलते हैं, ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग कम्यूटेटर रेजर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग को पहले से एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और जो भी क्वेश्चन आ रहा उसको अपने से उसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए और फिर लास्ट में देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। इससे आप लोग रिव्यू कर पाएंगे कि आप कितनी अभी आपकी प्रिपरेशन सही है और कितनी प्रिपरेशन में अभी और आपको करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप जानते हैं कि ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है और प्रिपरेशन आपको करना ज़रूरी है। उसमें सीबीटी एग्ज़ाम होगा तो किसी तरह का हेल्प मिलेगा नहीं, तो आपको तैयारी करना ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो जो है, डीसी जनरेटर का नाम बताना है। ये जो डीसी जनरेटर है इसका आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड, क्यूमुलेटिव कंपाउंड और क्यूमुलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, आपको सही उत्तर बताने हैं। और यहाँ पर सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड का ए, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, क्वेश्चन नंबर थ्री का रहा कि विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम का प्रयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन यहाँ पर है, कॉर्क स्क्रू रूल, राइट हैंड प्लम्ब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड यहाँ पर ऑप्शन ऊपर में दिया हुआ है लास्ट ऑप्शन नंबर डी जो है वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चार है, डीसी जनरेटर में ईएमएफ ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला ज्ञात करते हैं। मतलब डीसी जनरेटर है उसमें ईएमएफ को फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन सा फार्मूला का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है और आपको सही उत्तर बताने हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली फार्मूला आपको याद करके जाना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो फार्मूला है ये आपका सही उत्तर है। तो आपको डायरेक्टली फार्मूला ध्यान में रख के जाना है, इसमें किसी तरह कुछ समझने की चीज़ नहीं, आपको फार्मूला बस याद करके जाना है सिंपली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईएमएफ की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है डीसी मोटर में। डीसी मोटर के लिए ईएमएफ के लिए कौन सा फार्मूला होता है ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी,
फाइव का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ई बी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए वोल्ट्स। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना बस सिंपल इतना ध्यान में रख के जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से फाइनल एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कुछ अलग नहीं होगा, इसी में से इसी पीडीएफ से कुछ क्वेश्चंस उठा के दिए जा रहे हैं, तो जो कि पिछले एग्जाम से हुए हैं उनका रिव्यू करने से पता चला है कि इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको तैयारी आराम से कीजिए और आराम से आपको एग्ज़ाम दीजिए, यही सब क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस पार्ट को आपका नाम बताना है कि ये जो क्रॉस वाले पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, पोल टिप बोलते हैं, पोल क्वाइल, पोल कोर या पोल शू। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से चार ऑप्शन में से जो आपको सही लगे वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका जो हो वो होगा डी, पोल शू। आपका सही उत्तर जो होगा वो पोल शू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन हम देखते हैं। डीसी जनरेटर का क्या नाम है? तो यहाँ पर इमेज यहाँ नीचे में दिया हुआ है, यहाँ ये देख सकते हैं यहाँ इमेज दिया हुआ है, इस डीसी जनरेटर का नाम बताना है। तो हम जानते हैं जो जनरेटर या मोटर होता है वो दो तरह का होता है, एक सेल्फ एक्साइटेड होता है और एक सेपरेटली एक्साइटेड होता है। सेल्फ एक्साइटेड वो होता है जो जिसमें अलग से सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं होती है, और सेपरेटली एक्साइटेड वो होता है जो जिसमें अलग से सप्लाई देने की ज़रूरत होती है। सेल्फ एक्साइटेड में भी तीन तरह के होते हैं, जनरेटर या मोटर की बात करें तो सीरीज, शंट और कंपाउंड। सीरीज, शंट और कंपाउंड, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सीरीज क्या होता है, शंट क्या होता है, थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये इसमें अलग से सप्लाई देने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है, क्वेश्चन नंबर एट दिया हुआ है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो सिंपल से हम लोग जानते हैं कि जनरेटर द्वारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइन नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि ये कौन इस फील्ड का नाम, फील्ड का कौन सा क्या नाम होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में है, 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? जो डीसी जनरेटर होता है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है? कॉर्कस्क्रू रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या ऑप्शन देख लेते हैं ऊपर में और ऑप्शन होगा यहाँ पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा डीसी जनरेटर होता है वो फैराडे के नियम पे काम करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे काम करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए क्या सूत्र है? तो यहाँ पर गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए आपको सूत्र बताना है, तो बीएलवी साइन थीटा आपका होता है, ये आपका याद रखना है क्वेश्चन नंबर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड के विच रूल इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड को ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम, कौन सा रूल का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर का भाग का नाम बताना है, जो आपको सामने दिख रहा ये डीसी जनरेटर का कौन सा पार्ट है उसके बारे में आपको बताने हैं कि ये डीसी जनरेटर का कौन सा पार्ट है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं और आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बाहरी भाग होता है और बाहरी भाग को हम लोग योक बोलते हैं या फ्रेम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर दिया हुआ है चार पोल डीसी जनरेटर डुप्लेक्स लैप वनडे में कितने समानांतर रास्ते होते हैं, पैरेलल पाथ की बात कर रहे हैं, कितने पैरेलल पाथ होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, ड्यूप्लेक्स है तो इसको मल्टीप्लाई बाई टू कर देते हैं तो आपको 8 मिल जाएगा, और सिंगल होता तो आपको सिंपली 4 ही हो जाता। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है जो लैप वाइंडिंग होता है उसमें आपका जितना पोल होता है उतना ही आपका पैरेलल पाथ होता है, जैसे पी अगर 2 दिया हुआ है तो पैरेलल पाथ भी 2 हो जाएगा, किसके लिए, लैप वाइंडिंग के लिए, ध्यान रखना। और एक होता है वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, तो इसमें जो पैरेलल पाथ होता है वो कितना भी पोल दिया हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, इसमें पैरेलल पाथ
दो होता है। वेव वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ होता है वो फिक्स्ड होता है, दो होता है, और लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ जितने पोल होते हैं उतने ही होते हैं, बट डुप्लेक्स है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई टू हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे है, डीसी जनरेटर का इस पार्ट का नाम बताना है आपको, जो सामने में दिख रहा है इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं इसके बारे में बताना है आपको। तो यहाँ पर जो है ये जो पार्ट है इसको आर्मेचर कोर लेमिनेशन बोलते हैं, और यहाँ पर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 में है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो डीसी जो जनरेटर होता है उसमें इंटरपोल किस तरीके से जुड़े होते हैं इसके बारे में बताना है। तो ये आर्मेचर के सीरीज में जुड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 में है एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। रिड्यूसिबल मैग्नेटिज्म होता है, इसकी क्या आवश्यकता है, वोल्टेज का निर्माण करने में या फील्ड करंट कम करने में, आर्मेचर करंट को कम करने में, या किस चीज़ में होता है। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, वोल्टेज को बिल्डअप करने के लिए हमें रिड्यूसिबल मैग्नेट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर है, डीसी मशीन में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश को संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं, जो ब्रश के संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो उसके बारे में बताना है कि कौन से वे दो बिंदु हैं, तो कौन से पॉइंट पे होते हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, या ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच का प्रतिरोध, या ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध, या कौन सा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच के प्रतिरोध को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वोल्टेज ड्रॉप को ये जो होता है इसको किस वोल्टेज ड्रॉप बोला जाता है उसके बारे में आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो हो जाएगा वो आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पर चार ऑप्शन है, फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, या शंट फील्ड ड्रॉप। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का ये जो होता है इसको आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप कहते हैं, ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप बोलते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हो। यदि शंट फील्ड जो है पैरेलल में जुड़ा होगा तो उस कंपाउंड जनरेटर या कंपाउंड मोटर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या नाम होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड। ध्यान रखना है, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में है, क्यों डीसी जनरेटर की आर्मेचर कोर पटलित है। वाई द आर्मेचर कोर ऑफ अ डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड। लेमिनेशन क्यों किया जाता है, लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, इसके बारे में बता पूछ रहा कि किस कौन से लॉस को कम करने के लिए आर्मेचर को हम लोग लेमिनेटेड करते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड करते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम होता है क्यों, इसके बारे में बताना है आपको कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। क्योंकि यहाँ पर इसका ऑप्शन हो आंसर हो जाएगा बी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। बहुत कम क्यों है, तो मतलब वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज़ वेरी लो। तो यहाँ अगर आर्मेचर वोल्टेज को हम लोग ड्रॉप को रिड्यूस कर दें तो आर्मेचर प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए, मतलब कि हमेशा घड़ी की दिशा में ही उसको क्यों चलाना चाहिए, इसके बारे में पूछ रहा है। तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में क्यों चलाना चाहिए, तो चार ऑप्शन है, ब्रश को नुकसान से बचाए, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो बी होगा। अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे
तो इसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है और आपका मोटर सेल्फ स्टार्ट फिर नहीं होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसका उत्तर बी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट द रिड्यूसेबल मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में है, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है, इसके बारे में बताना है कि वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज़ प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी मशीन। तो आपको इस तरीके का वाइंडिंग बड़े मशीनों में क्यों किया जाता है, इसके बारे में बताना है। और चार ऑप्शन हैं, अधिक लोड को कनेक्ट करने के लिए, या कम्यूटेटर प्रभाव को कम करने के लिए, या और ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें, या जनरेटर की दक्षता बढ़ाएं। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है, मतलब कि डीसी जनरेटर में वोल्टेज क्यों नहीं बनता, कौन सा इसमें से कारण है जिसके कारण से आपका डीसी जनरेटर जो है वो वोल्टेज नहीं बनाता है। तो लूज ब्रश, या आर्मेचर प्रतिरोध का अधिक होना, या फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, मतलब फील्ड रेजिस्टेंस एबोव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, या प्राइम ओवर इज रनिंग एबोव रेटेड स्पीड। तो इस चारों में से जो आंसर आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी। अगर आपका फील्ड रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाएगा तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, वोल्टेज बनाने में वो विफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 25 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप लोगों को किसी तरीके के कोई क्वेश्चन में डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को मैं रिव्यू कर दूंगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा। इसके बाद जो डीसी मोटर के लिए हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देंगे, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अभी हम ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट देना है, क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते। अपने आपको सिर्फ रिविज़न करना है, अभी सिर्फ रिविज़न कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा थ्योरी अभी देखने का आप टाइम नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी आप सभी का, तो 9 और 10 फरवरी के भी बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा, क्योंकि डिटेल बताने लगेंगे तो कम क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग वीडियो बनेंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट में उन सारी चीज़ों को सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, और आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है, जनरेटर का नाम बताना है यदि क्षेत्र आर्मेचर समानांतर में जुड़ा हो, पैरेलल में जुड़ा हो, तो उस जनरेटर का आपको नाम बताने हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा शंट जनरेटर। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से, अगर मान लेते हैं ये आपका आर्मेचर है और इसके पैरेलल में, यहाँ पर मान लेते हैं ये पैरेलल है और ये फील्ड वाइंडिंग जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग शंट जनरेटर बोलेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से मान लेते हैं ये हमारा आर्मेचर है और इसके यहाँ पर वाइंडिंग कोई जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग सीरीज जनरेटर या सीरीज मोटर बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, शंट के पैरेलल में अगर किसी का जुड़ा है तो उसको शंट बोलेंगे, और सीरीज में जुड़ा है तो सीरीज उसको हम लोग सीरीज जनरेटर या सीरीज मोटर बोलेंगे। तो यहाँ समानांतर की बात हो रही, तो यहाँ पर ये इसकी बात हो रही, तो ये हो गया अपना शंट जनरेटर। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य है, पोल शू के बारे में बताना है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको, मान लेते हैं ये आपका डीसी जनरेटर है, तो जैसे ये पोल होते हैं, यहाँ पर पोल होते हैं, जैसे मान लेते हैं 4 पोल मशीन है और ये जो बना होता है इसको हम लोग पोल शू बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से बना होता है, और बीच में ये आपका आर्मेचर होता है। ठीक है, और ये बाहरी भाग होता है, इसको हम लोग कवर बोलते हैं, ये आपका फ्रेम होता है। तो इस तरीके से आपका कंस्ट्रक्शन होता है। आपको इतने डीप में नहीं जाना है, अभी आपको नॉर्मली जानना है कि इस वाले भाग को हम लोग बनाने का क्या उद्देश्य है, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर 27 का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, ताकि ये ऐसा बनाने का रीज़न है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा आए इसके अंदर। ठीक है, तो जो एयर गैप के समान रूप से फ्लक्स को फैलाए, मतलब कि जो फ्लक्स होता है वो सेम रूप से फैले उसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 28,
इस क्वेश्चन में है डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है, स्लिप रिंग जो होता है उसका क्या कार्य होता है जो डीसी जनरेटर होता है उसमें। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर निरंतर वोल्टेज को बनाए रखना, धारा को करेंट कलेक्ट द करेंट यूनिडायरेक्टली, और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं ब्रश पे वोल्टेज ड्रॉप को कम करना या रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाना। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो आपका स्लिप रिंग होता है उसका जो काम होता है वो करंट को कलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में है जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन और ग्रेफाइट। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो डीसी जनरेटर या डीसी मोटर में ब्रश बना होता है वो कार्बन ब्रश उसको बोलते हैं, कार्बन का बना होता है, तो इसीलिए कार्बन या ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्टी में क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबक को खो देते हैं, वाई डीसी जनरेटर आर लॉस देयर रेडिजुअल मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफन, रोटेशन अगर चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो अभी आपको बना के दे देंगे, इसमें आपको और क्वेश्चन डीसी जनरेटर से रिलेटेड आपको पार्ट टू मिल जाएगा, ये इस वीडियो का पार्ट वन है, नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट टू दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डीसी मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक आप अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए और थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।